हिमाचल के मंडी स्थित जोनल अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन करने में जुटे ये तमाम लोग आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने हिमाचल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उससे खूब कोसा। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीनें और एक्सरे मशीनें जंग खा रही हैं, जिसके चलते हर वर्ग के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और दवाइयों की कमी के साथ साथ यहाँ पर टेस्ट भी नहीं हो पा रहे और लोग प्राइवेट जगहों पर टेस्ट करवाने को मजबूर हैं और साथ ही इसके लिए उन्हें मोटी रकम चुकानी पड़ रही है, जिसके चलते वे परेशान हो रहे हैं। इसका सारा ठीकरा उन्होंने जयराम सरकार पर फोड़ते हुए उसे निकम्मी सरकार तक करार दे दिया। लैब को ये ठेका दिया हुआ है, आज 3-4 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक वो जो लैब जो है ढंग से क्या बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही है। कल हम सुंदरनगर गए थे, वहाँ पे हॉस्पिटल में देखा तो वो जो पूरी लैब थी वो उसमें खुद उन वहाँ के एम्प्लॉयज ने कहा कि हमें 3.5 महीने हो चुके हैं लेकिन यहाँ पे एक भी ब्लड टेस्ट नहीं हो रहा है। मुझे पूरी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे हिमाचल में आज यही हो रहा है और कहीं भी ये ब्लड टेस्ट नहीं हो रहे हैं। और बाकी टेस्ट की तो बात ही छोड़ दो, सरकार ने एक बात कही थी कि हम लगभग 200 से ज़्यादा दवाइयां यहां पे देंगे लेकिन वो जो दवाइयां जो फ्री में देंगे, और बड़े दुख की बात है सिर्फ ये बातें कही गई है लेकिन इनको प्रैक्टिकली कोई भी काम नहीं हुआ है। एक और बड़ी चिंता का विषय रहता है कि सुबह सुबह जब हम यहाँ किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो लगभग 100-200 लोगों की लंबी लाइन लगी होती है। पर्ची बनाने वाले नाम मात्र के होते हैं और कई बार तो चक्कर आ जाता है लोगों को, क्योंकि गरीब आदमी दूर से आया होता है, बेहोशी से लाइन में लगे लगे भी कई बार बेहोश हो रहे हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है। और दूसरी तरह से हॉस्पिटल के चारों तरफ जो ये प्राइवेट क्लिनिक्स प्राइवेट लैब्स खुली हुई है, ये पूरा संकेत देती है कि कहीं ना कहीं घाल मोल हो रहा है और अंदर से जो है किसी तरह से अगर टेस्ट नहीं हो रहे। अल्ट्रासाउंड एक बहुत पूरे हिमाचल में ही लगभग 80-75% जगह पे जो है अल्ट्रासाउंड जो है बाहर से कराना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सुविधा और सरकारी अस्पताल में इलाज की आस लिए जो लोग आ रहे हैं उन्हें अब निराश होना पड़ रहा है, क्योंकि सुविधाएं न होने के चलते उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा और प्राइवेट अस्पताल मोटी रकम उनसे वसूल रहे हैं। ऐसे में लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि वो जाएं तो जाएं कहां। सरकार जी उन्हें ये तो बताइए। सचिन शर्मा, ANV न्यूज़।